आज हम लोग जानेंगे कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिहार में टोटल कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। बिहार में टोटल 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। ये रहा आपके सामने लिस्ट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें से BCE भागलपुर, MIT मुजफ्फरपुर टॉप के हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, बिहार के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि एडमिशन की पूरी प्रोसेस क्या है। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन जेई मेन के एग्ज़ाम के बेसिस पर होता है। जेई मेन में जो परसेंटाइल आते हैं उसी से इसका अलग से रैंक लिस्ट बनता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये कुल 5 प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रैंक लिस्ट, फिर च्वाइस फिलिंग, अलॉटमेंट लेटर, आफ्टर देन काउंसलिंग होता है। इन सभी स्टेप को आगे हम लोग सही से जानेंगे। उसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि हर स्टेप में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो इन स्टेप का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये रहा आपके सामने स्टेप 1। सबसे पहले हम लोग UGESC का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं। इसका नोटिफिकेशन BCEC की ऑफिशियल वेबसाइट bcecboard.bihar.government.in पे आता है। इस फॉर्म को फिल करने से पहले आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ज़रूर रखें, जो हैं ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज स्कैन फ़ोटो, सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जितने भी सॉफ्ट कॉपी हैं उनको आप 100 KB के अंदर ही रखें। इसके साथ जेई मेन का एडमिट कार्ड और क्लास 10th और 12th का मार्कशीट ज़रूर रखें। फिर पेमेंट के लिए आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट का यूज़ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के कुछ दिन बाद BCEC बोर्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रैंक लिस्ट देता है। तो स्टेप 2 में आप रैंक लिस्ट को डाउनलोड करें। उस रैंक लिस्ट में आप देखेंगे कि डिफरेंट रैंकिंग दिए हुए हैं, जैसे कि UR रैंक, कैटेगरी रैंक, RCC रैंक, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है। रैंक लिस्ट डाउनलोड करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 में, जो कि है च्वाइस फिलिंग। ये स्टेप पूरे एडमिशन प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आगे के 4 साल आप कहाँ रहेंगे। च्वाइस फिलिंग के टाइम आप सबसे ऊपर टॉप कॉलेज को ही रखें। बहुत चांसेस होता है कि आपको ऊपर के कॉलेज मिल जाए। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं वो आप देख सकते हैं और उसको ज़रूर ध्यान में रखें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 में, जिसमें है अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना। च्वाइस फिलिंग के कुछ दिन बाद अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, जिसमें आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो लिखा हुआ होता है। उसके साथ उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट और वो वेरीफाई किस कॉलेज में होगा वो भी, उसका एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। और अगर आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है तो चिंता नहीं कीजिए, राउंड 2 के काउंसलिंग से पहले आ सकते हैं। सो स्टे काम एंड हैव पेशेंस। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के टाइम कुछ बात जो आपको ज़रूर ध्यान रखने चाहिए, जैसे अगर आपको ऊपर के कॉलेज नहीं मिला है तो आप अपग्रेड पर क्लिक करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर मिल गया है देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे के प्रोसेस में पार्ट ले सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद टाइम कुछ बात जो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे अगर आपको ऊपर के कॉलेज नहीं मिले हैं तो आप अपग्रेड पर क्लिक करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लें। चलिए फिर राउंड 1 में क्या होता है ये जान लेते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सबको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जो लोग भी अपग्रेड किए हैं उन्हें भी राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना होता है और कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है। अब हम लोग जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। ये रहा आपके सामने लिस्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। वैसे मैं भी आपको बता देती हूँ, ओरिजिनल मार्कशीट, एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ बोथ क्लास 10th एंड 12th, एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेन्स, स्कोर कार्ड ऑफ जेई मेन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो आप जेई मेन में अपलोड किए थे, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
स्कूल लिविंग या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, UGEC रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, PWD का सर्टिफिकेट है वो भी रख सकते हैं। फिर बायोमेट्रिक स्लिप या जांच पर्ची, ये दोनों आपको BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिर आता है पार्ट ए और पार्ट बी, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम ही डाउनलोड करके रख सकते हैं और इसका प्रिंटआउट निकालवा के भी रख सकते हैं। वैसे ये हमेशा BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। राउंड टू में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। जिनका राउंड वन में अपग्रेडेशन हुआ है या फिर जिनका अलॉटमेंट लेटर राउंड वन के काउंसलिंग के टाइम नहीं आ पाया, वह फिर से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके सारे डॉक्यूमेंट के साथ स्पेसिफाइड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इनके बाद अपग्रेडेशन का कोई चांस नहीं मिलता है और यहीं पे हमारा काउंसलिंग का प्रोसीजर ख़त्म होता है। इसके बाद आप चाहें तो मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मॉपअप राउंड में अप्लाई करने के 3 कंडीशन होते हैं। फर्स्ट, वैसे स्टूडेंट जो UGEC का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे, वो जिनके राउंड वन और राउंड टू काउंसलिंग के दौरान कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है वो भी मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे, वो जो अपने अलॉटेड कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है पर एडमिशन ले चुके हैं तो आप एडमिशन को कैंसिल करा के मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर ब्रीफ में देखें तो मॉपअप राउंड के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करके पटना जाकर ही सारा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।